पता है, आज मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था। उसने सब बच्चों को एक चॉकलेट दी, पर मुझे दो चॉकलेट दी। आप रोज क्यों नहीं आते मुझसे मिलने? मुझे आपकी इतनी सारी याद आती है। थैंक यू बेटा। आपको कौन हो तुम? अरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो? मत जाओ। मॉम, आपने ये क्या कर दिया? मेरे दोस्त को डरा दिया। पिंकी, बेटा कौन था ये? मेरा दोस्त है। कौन दोस्त? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। नई नई दोस्ती हुई है। नई नई दोस्ती? कितने दिनों से? मॉम, आप कितने सवाल करती हो। क्योंकि बेटा मुझे फिक्र है तुम्हारी। कौन है ये दोस्त और इस तरह उड़के कैसे गया? मैं नहीं बताऊंगी। अरे वो देखो कितनी बड़ी चिड़िया है। बुद्धू चिड़िया नहीं, सुपर हीरो है। अरे बच्चों, शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? पर देखो तो। अरे बाप रे, ये कैसा हवाई जहाज है? हवाई जहाज नहीं, सुपर हीरो है। वो क्या होता है? वो जो फिल्मों में होता है ना, जो आसमान में उड़ते हैं, वही है। हाँ अंकल। अरे बाप रे, हमने देखा सुपर हीरो जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा। एक एक्टर की जिंदगी क्या होती है, एक आम इंसान कभी नहीं समझ सकता। बाहर के लोगों को सिर्फ हमारी चकाचौंध दिखाई देती है। अरे जो कभी कलाकार नहीं बना, वो एक्टर के अंधेरे को कभी कैसे समझेगा, जिनकी गहराइयों में उतरकर हम सच्चाई के दो पल उन्हें देते हैं। आज का दिन फिल्म इंडस्ट्री कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो मोहन कुमार जिसे सब पसंद करते हैं, वो मोहन कुमार आज अपने हाथ से अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। सब खत्म हो जाएगा। मोहन, तू बच गया? कोई बात नहीं, लगता है जिंदगी हार के कुछ और पल तुझे देना चाहती है। फिर से बच गया। इस तीसरी बार में तेरा ही नाम लिखा है, तू लगा रहे। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? अरे बहुत अच्छी लग रही हो। आपको तो पता है मोहन जी के घर आए, मैं तो उनकी स्कूल से बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या किस्मत पाई है तूने मोहन? फिक्र मत कर, मौत आएगी। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? संदू साहब, गुड आफ्टरनून। कैसे आप? दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगा? सॉरी सर, एक्चुअली वॉशरूम में चला गया था। अच्छा अच्छा, मोहन जी कहाँ पर हैं? मोहन जी ऊपर वाले कमरे में। कुछ गड़बड़ है यार, ये जगह देखनी है। ये यही तो है वो। इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है? आइए सर, ऊपर ही होंगे। आई मैम, इस बार मेरा आखिरी बार है, क्योंकि इसमें सिर्फ छह ही कहानी है। मोहन, मोहन, अरे दरवाजा खोलो मेरे यार। बस संधू जी, हमारा साथ यही तक था, अगले जन्म में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। क्या हुआ सर? अरे मोहन अपने आप को गोली मार रहा है। अरे मोहन सर, बेवकूफी मत कर रहा मोहन। दरवाजा खोलो और हटिए सर। सर मोहन सर, ये बात मत करना प्लीज सर। आज से मत करना प्लीज सर। सर सर सर
क्या कर रहे हो यार? क्यों बचा संधु? अरे मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। अब हम करोड़ों के नुकसान से बच गए हैं। हमारा बंगला भी नहीं बिकेगा और ना ही हम सड़क पर आएंगे यार। सच सच कैसे? लेबोरेटरी के आग में भले ही फिल्म के सारे प्रिंट जल गए हो, एक प्रिंट बच गया। मगर कैसे हुआ ये? एडिटर के हार्ड डिस्क में। मिठाई खाओ यार। मरना कैंसिल। I'm happy. Like my real hero. Shukar, thank you. मुबारक। Thank you. हाँ, सुनाली, भाई प्रेस वाले सारे आ चुके हैं, सारी तैयारियां हो गई हैं। ओह गुड। थैंक यू दोस्तों, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतने कम वक्त में आप सबने मेरे लिए और मेरी आने वाली फिल्म सुपर हीरो नंबर वन के लिए वक्त निकाला। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे आने वाली फिल्म सुपर हीरो विद्युत पर आधारित है। अब ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए आप सबकी मुलाकात कराता हूँ अपने फिल्म के सुपर हीरो विद्युत से। थैंक यू। इसका हाथ हिल रहा है। वाह संधू जी, आपका सुपर हीरो तो वाकई कमाल का है। कितना खूबसूरत डिजाइन किया गया इसको। ये क्या, ये चल भी रहा है? संधू जी, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। इतना अच्छा पुतला बनवाया आपने, लेकिन अब ये चलता कैसे है ये आपको पता नहीं? देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता था कि ये चलता भी है। संधू जी अभी तक उठे क्यों नहीं? संधू जी सांसें नहीं चल रही, लगता है सीआईडी बुलाना होगा। हेलो सीआईडी, का दिमाग खराब है क्या? देर रात को फोन करते रहते हैं। बंद ही कर देता हूं। फोन कैसे बन सकता है? मैंने तो बंद किया था। ये तो कोई नंबर भी नहीं दिखा रहा, कौन फोन कर सकता है? हेलो, एक विशेष सूचना, हमें यह बताते हुए बेहद शोक हो रहा है कि आपके प्यारे दोस्त और फिल्म जगत के जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संधू शशांक अब इस दुनिया में नहीं रहे। हेलो, कौन बकवास कर रहा है? आप ना सिर्फ संधू जी के दोस्त बल्कि बिजनेस पार्टनर भी हैं, इसलिए बहुत जल्दी आपको भी आपके पार्टनर के पास पहुंचा दिया जाएगा। और नॉनसेंस, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज की ताजा खबरों के लिए आप टीवी ऑन करें, न्यूज चैनल लगाएं। शुभ रात्रि। हेलो कौन बोल रहा है? हेलो वासिक, संधू को फोन करता हूं। संधू का फोन क्यों नहीं लग रहा? भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर संधू शशांक की उन्हीं की फिल्म के सुपर हीरो ने फिल्म प्रमोशन इवेंट के दौरान हत्या कर दी,
जिसे सुनकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया। लोगों में शोक की लहर फैल गई। इस सुपर हीरो के मुखौटे के पीछे छुपा खूनी कौन था, ये जानने में पूरी सीआईडी टीम जुटी हुई है। शरीर पे कोई चोट कोई जख्म नहीं है। हाँ सर, ये मौत नेचुरल डेथ तो नहीं, हार्ट अटैक या किसी और वजह से? अब ये तो डॉक्टर सालू के ही बताएंगे। संधू जी को कोई बीमारी थी क्या, दिल की बीमारी या कोई और बीमारी? नहीं सर, वो तो एकदम फिट थे, रोज कसरत करते थे, अपने खाने पीने का पूरा ख्याल रखते थे। आप? सर मैं उनकी सेक्रेटरी सोनाली। सर कैमरा की फुटेज तो बहुत ही चौंका देने वाली है, एक निर्जीव पुतले में जान आ गई और उसने किसी का खून कर दिया। सर हमारी भी आंखें फटी रह गई जब हमने संधू जी की मौत का नजारा देखा। अगर ये खून है तो किसी इंसान ने किया होगा, किसी निर्जीव पुतले ने नहीं। अच्छा संधू की मौत के बाद मैं बाहर गया यहाँ से? नहीं सर, हम सब यहीं पर हैं। सब यहीं पर हैं। और ये फिल्म का हीरो मोहन, ये आज यहाँ फंक्शन में नहीं है? सर वो आने वाले थे पर पता नहीं क्यों नहीं आए। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या हुआ था? सर शायद टेंशन और स्ट्रेस की वजह से। दरअसल हमारे फिल्म के सारे प्रिंट्स जल गए थे, बस एक प्रिंट बच गया था जिसके जरिए हम ये फिल्म रिलीज करने वाले थे। सर कहीं सबके पीछे इस मोहन कुमार का हाथ तो नहीं है? हो सकता है। एक फिल्म जो इतनी मुश्किल से रिलीज होने वाली है और उसके प्रोड्यूसर की इस तरह से मौत हो जाए, मतलब खूब सारी पब्लिसिटी। मोहन से मिलना पड़ेगा। यहां से कहीं दूर चले जाऊंगा तो खूनी मुझे नहीं। कहीं वो खूनी तो नहीं? कौन है? सीआईडी सर। थैंक यू सर, सर आप आगे, मैं तो डर ही गया था। ये सामान बांध के कहीं जा रहे हैं क्या? सर मैं एक ऐसी जगह जा रहा था जहां पर मैं सुरक्षित रहूं। वो आपके दोस्त संधू की मौत हो गई और आप यहाँ शहर छोड़ के भागने की तैयारी में जुटे हुए, कहीं संधू की मौत में आपका हाथ तो? सर आप क्या बात कर रहे हैं, वो मेरे भाई जैसा था। नहीं मारा तो किससे डर के भाग रहे हो? सर उसी से जिसने संधू का खून किया, उसका अगला शिकार मैं हूँ। पर ये बात तुमको कैसे पता? उससे मुझे खुद कही। खुद का मतलब वो तुमसे मिलने आया था? नहीं, फोन पर। कब? करीबन 2 घंटा पहले। फोन देखा जरा। देखियो इसमें तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, 2 घंटे पहले कोई फोन नहीं आया था। गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो क्या? आप लोग तमीज से बात कीजिए, हिंदी फिल्मों का जाना माना हीरो हूं मैं। हम भी इस देश के जाने माने हीरो हैं, इसलिए अपनी ये हीरोगिरी अपने जेब में रखो। और सच सच बताओ ये माजरा क्या है? सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ, फोन आया था लेकिन कोई नंबर नहीं था। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि नंबर नहीं दिख रहा था, पर फोन करने वाले ने बात क्या की तुमसे? सर उसने कहा कि आप ना सिर्फ संधू जी के दोस्त बल्कि बिजनेस पार्टनर भी हैं, इसलिए बहुत जल्दी आपको भी आपके पार्टनर के पास पहुंचा दिया जाएगा। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। सर किसी पे शक है आपको? कौन कर सकता है ये? संधू बहुत ही दरिया दिल इंसान था, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है समझ में नहीं आ रहा। खैर जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। वो सब ठीक है लेकिन खूनी पकड़ा तो जाएगा ना? पकड़ेंगे, एक बार ये पता चल जाए कि खून हुआ कैसे, खूनी भी पकड़ा जाएगा। तारिका रेडी? यस सर। गुड, अब देखना जब प्रद्युमन को पता चलेगा कि संधू साहब की मौत कैसे हुई है, आई टेल यू एकदम हक्का बक्का रह जाएगा वो। ए, देख सड़न के मेरे पास वक्त नहीं है, मेरा वक्त बर्बाद मत कर। ठीक ठीक बता कैसा हुआ है इसका खून? देखा, चलो तारिका शुरू करते, आज एसीपी साहब और उनकी पूरी टीम को एक नया सीरियल दिखाते, खून की कसौटी। सर उधर देखिए, वहां देखिए, सोनोग्राफिक इमेज है संधू की। हाँ, और ये देखो उस इमेज में वो छोटे छोटे सफेद सफेद से निशान दिखाई दे रहे। ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेंसिल से छोटे छोटे निशान बनाए, लेकिन वैसे है क्या सर? सचिन
ये छोटे से साधारण से दिखने वाले निशान इतने खतरनाक है कि यही इस संधू जी की मौत का कारण बने। संधू जी की मौत इन सफेद निशानों की वजह से हुई है। हाँ, जानते हो निशान किसकी वजह से हुए? छोटी छोटी जहरीली सुइयों के निशान है। ये तो क्या कह रहा है साहब यार, हमने संधू की लाश को अच्छी तरह से चेक किया है, हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा। नहीं, मानता हूँ आप लोगों ने लाश को अच्छी तरह से चेक किया होगा, कसूर आपका नहीं है। बॉस, ये सुइयां इतनी छोटी और बारीक है कि अपना कोई निशान शरीर पर नहीं छोड़ती है और शरीर के अंदर पहुंच जाती है, और इसलिए इन सुइयों ने संधू जी के शरीर के एक भी टिश्यू को पंचर नहीं किया, फिर भी उनके शरीर में घुस गए, और इसलिए खून की एक बूंद भी वहां पर नहीं थी। ये जहर है कौन सा सर उनके? बस जेमिनिजोलाम नाम का जहर है, बहुत खतरनाक जहर है। किसी ने बड़ी होशियारी से इन छोटी छोटी सुइयों पर वो जहर लगाया और किसी तरीके से ये सुइयां इसके शरीर में पहुंचा दी। अगर सर ये सुइयां संधू जी के शरीर में गई कैसे होंगी, क्योंकि हमने जो फुटेज चेक किया था उसमें से संधू जी के शरीर पे लेजर लाइट छोड़ी गई थी। सर सचिन, जरूर कोई हथियार हाथ के अंदर छुपा के रखा था, कोई ऐसा हथियार जिसमें से सुइयां बाहर निकल गई थी। संधू और मोहन ने मिलकर एक स्टूडियो खरीदा किसी सूरज नाम के आदमी से, उसी सूरज का 6 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। और सर एक आदमी 1 हफ्ते पहले विद्युत की कॉस्ट्यूम में सूरज की बेटी से मिलने आया, और जब सूरज की पत्नी ने उस आदमी को देखा तो ये आदमी हवा में गायब हो गया, उड़ गया है। हाँ सर, सोसाइटी के वॉचमैन और वहां के बच्चों का भी यही कहना है कि उन लोगों ने उसे उड़ते हुए देखा। वही तो हैरानी की बात है सचिन। सर मुझे तो लगता है कि सूरज की मौत ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि उसे भी किसी ने मारा है सर। और हकीकत क्या है ये तो हमें उस एनिमेशन स्टूडियो में जाकर ही पता लगाना पड़ेगा। हेलो सर, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? जी आप, हम लोग CID से। CID? अच्छा, इस एनिमेशन स्टूडियो के मैनेजर से मिलना हमें। धीरज सर, सर ये CID से हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। CID जी, कहिए सर क्या बात। धीरज जी, आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर इस स्टूडियो में? जब से संधू साहब और मोहन जी ने स्टूडियो खरीदा था मुझे काम पे रख लिया था। अच्छा, तो फिर आप उनके बारे में भी जानते होंगे जिनसे स्टूडियो खरीदा था इन दोनों ने। सूरज नाम था इस स्टूडियो के मालिक का। हाँ शायद सूरज ही था, लेकिन सर उनके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता हूँ। फिर भी कोई तो ऐसा होगा जो सूरज के बारे में सब कुछ जानता होगा, हो सकता है कोई पुराना कर्मचारी वगैरह। नहीं सर, बात दरअसल ये है कि संधू साहब ने सभी पुराने कर्मचारियों को काम से निकाल दिया था और सभी नए कर्मचारियों को काम पे रखा था। सर फिर तो इस बात को लेकर कर्मचारियों में बहुत गुस्सा होगा, कहीं उनमें से तो कोई नहीं कर रहा है सर। ये भी हो सकता है। अच्छा, ये पुराने कर्मचारियों के रिकॉर्ड्स तो होंगे आपके पास, उनका टेलीफोन नंबर, पता, नाम? नहीं सर, रिकॉर्ड तो नहीं है। हाँ सर, एक पुराना कर्मचारी है तो जो काफी बार फोन करता था और एक वीडियो गेम के बारे में पूछता था। है कौन ये? उनका नाम जे से जनार्दन, नहीं नहीं, जो जोन, जॉनी नाम था उसका। जॉनी? तो जॉनी का नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? हाँ सर, नंबर दिया तो था और कहा था कि उस वीडियो गेम के बारे में अगर कुछ भी पता चले तो फोन करके बता दें। क्या क्या नंबर है उनका? 11-517-92-517। जॉनी का नंबर तो बंद आ रहा है सर। बंद आ रहा है? निशिता पता लगाओ, देखो ये नंबर कब बंद हुआ था। यस सर। वैसे धीरज जी, क्या आप जानते हैं जॉनी किस वीडियो गेम प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहता था? सर नए प्रोजेक्ट के बारे में संधू साहब और मोहन जी को ही पता होता था। संधू साहब तो नहीं रहे, मोहन कुमार से मिलना पड़ेगा। आज तक इतना मुश्किल समय मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, पता नहीं भगवान किस बात की परीक्षा ले रहा है, किसी तरह ये समय निकल जाए बस। सर आपका फोन। तुमने फोन क्यों ऑन किया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सॉरी सर, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था पर आपका फोन स्विच ऑफ हो ही नहीं रहा है।
फोन नहीं है, मुसीबत है ये। तुम जाओ यहां से, जाओ। ओके सर। तूने कोई आवाज सुनी? हाँ मैंने सुनी, उधर से सुनी। तू रुक यहीं पे, मैं जाके आता हूं। मुझे मारने तो नहीं आ गया विद्युत? बंद करो तुम आड़ी। ये गोलियों की आवाज कैसी आ रही है? सर आप क्या करें? सीआईडी का फोन करो, जल्दी निकलो। तो मैं भी यही छिप जाता। यहाँ छुप रहे, इतना बड़ा घर है, जाओ यहाँ से। सर मुझे भी यही छिप जाने दो सर, सर वो मार डालेगा। सर गार्ड्स तो मर चुके हैं सर, इनकी भी मौत बिल्कुल वैसी हुई है जैसे संधू की हुई थी। सर कहीं उस खूनी ने मोहन को कुछ करना दिया। मयूर एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। उतारो अपना। सब क्या हुआ? कमरे में, कमरे में। सर ये तो हवा में तैर रहा है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पर कहां चला गया? छत पे चलो, छत पे। सर कोई इंसान उड़ कैसे सकता है? इंसान नहीं उड़ते, परिंदे उड़ते हैं श्रेया। सर पूरा घर तो छान मारा, मोहन तो कहीं दिखाई नहीं दिया। कहीं डर के मारे भाग तो नहीं है? सर सर अंदर जाने दो ना मुझे। तुझसे कौन बचाएगा यार? यहाँ कौन? वो आ गया। विद्युत, विद्युत, मैं मार पाता हूँ। विद्युत, विद्युत नहीं, सीआईडी बाहर निकलो। सर, मैंने आपको कहा था सर मुझे जाने दीजिए, ये विद्युत मुझे मार डालेगा। अगर उसे तुम्हें मारना ही है तो तुम्हारे पीछे पीछे दूसरे शहर में भी जाएगा। दूसरे देश में जाओगे तो वहां भी तो आ सकता है ना। सर आपको मुझे हिम्मत देनी चाहिए, आप मुझे डरा रहे हैं। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भागना कोई हल नहीं है। असली हल चाहते हो तो उसे पकड़वाने में हमारी मदद करो। आप सीआईडी है, आप उनको पकड़ सकते हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कम से कम सच सच तो बोल सकते हो ना। मैंने आपसे झूठ का बोला? सूरज के बारे में क्यों नहीं बताया? उसका इस केस से क्या ताल्लुक है? वो मर चुका है। वो पता है हमें, पर ये नहीं पता है कि संधू ने उसका स्टूडियो खरीदने के बाद उसके सारे कर्मचारियों को बाहर क्यों निकाल दिया। ऐसी क्या वजह थी कुछ मालूम है आपको? क्या बात है संधू साहब, क्या बिजनेसमैन वाला दिमाग पाया आपने। हम इतने कम पैसों में ऐसी डील, सुपर। बिजनेसमैन का नहीं, धोखाधड़ी का दिमाग पाया इस इंसान। तुम इस वक्त यहां और जबान संभाल के बात करो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें अपनी कंपनी के सिर्फ फिक्स एसेट्स बेचे थे, यानी कि ऑफिस, ये कंप्यूटर, ये फर्नीचर, और तुमने धोखे से मेरे सारे आइडियाज एंड गॉसिप चुरा लिए जिन पर मैं सालों से रात दिन एक करके मेहनत कर रहा था। बार बार मेरे ऊपर ये इल्जाम मत लगाओ। मैंने तुम्हारे आइडियाज चोरी नहीं किए, बल्कि मैंने तुम्हारे आइडियाज खरीदे। तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा नहीं क्या? देखो अपनी क्लॉज,
पेज नंबर 5 क्लॉज नंबर 331 में साफ साफ लिखा है कि मैंने सिर्फ तुम्हारा ऑफिस नहीं खरीदा बल्कि मैंने तुम्हारे सारे इंटेलेक्चुअल कॉपी राइट्स भी खरीदे। एक कागज का टुकड़ा उससे मेरी सालों की मेहनत नहीं छीन सकता। ए! आप छोड़िए संधू जी को। इस आदमी को बाहर ले जाओ और दोबारा ये ऑफिस के पास नहीं दिखना चाहिए। ये बिजनेस डील तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया मैंने सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाया था, उसकी कागजात मैंने एक बार भी नहीं पढ़े। सर हो सकता है सूरज के किसी पास वाले का काम हो। उसके परिवार में तो सिर्फ उसकी पत्नी और छोटी बच्ची है। मुझे लगता नहीं दोनों ये काम कर सकते हैं। जॉनी तो कर सकता है ना? क्या मान जी, जॉनी को तो जानते होंगे आप। मैं ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। कौन है ये जॉनी? सूरज की कंपनी में काम करने वाला एक पुराना कर्मचारी है जो आपके एनिमेशन स्टूडियो में अक्सर फोन करता था किसी वीडियो गेम प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए। तो बताइए आखिर ऐसा कौन सा वीडियो गेम प्रोजेक्ट है जिसके बारे में जानना जॉनी के लिए इतना जरूरी है? ये वही वीडियो गेम प्रोजेक्ट है जिस पर विद्युत वाली सुपर हीरो फिल्म आधारित है। ओह ये बात है। लगता है खूनी चाहता नहीं कि आपकी ये फिल्म रिलीज हो। सर लेकिन ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए वरना मैं सड़क पर आ जाऊंगा। घबराइए नहीं, ये जॉनी और विद्युत ज्यादा देर तक बचेगा नहीं हमारे हाथों से। सर मोबाइल कंपनी से जॉनी के कॉल डिटेल्स मिल गए। जॉनी का फोन आखिरी बार बंद हुआ शास्त्री नगर में। सुजिन काम करो, अपने खबरियों से कहो पता लगाएं इस जॉनी के बारे में। ये जरूर इस शास्त्री नगर के आसपास ही रहता होगा। ठीक है सर, फिर दे चुका अभी काम पे लगा देता। हेलो, हाँ कहाँ पे? ठीक है थैंक्स सर। मोबाइल कंपनी से फोन था, इस जॉनी का मोबाइल थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था सर। क्या ऑन हुआ था? कहाँ पर? सर कोलवा नगर में एक वीडियो पार्लर में। कोलवा के इस वीडियो गेम पार्लर में जाके जॉनी के बारे में पूरी पूछताछ करो। पता चल जाएगा ये जॉनी कौन सा खेल खेल रहा है असली जिंदगी में। सर आप लोग वीडियो गेम खेलने आए हैं क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सीआईडी से पूछताछ करनी। सीआईडी से? जॉनी नाम के आदमी को जानते हैं आप? जॉनी कल आपके इस वीडियो पार्लर में आया था 7 बजे शाम को। सर यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं गेम खेलने लेकिन नाम से जान पाना बहुत मुश्किल है सर। अच्छा हो सकता है वो जॉनी कोई गेम का डीलर हो, वीडियो गेम बेचता हो। अंकल क्या आप जॉनी अंकल के बारे में बात कर रहे हो? हाँ बेटा, आप ये जॉनी अंकल एनिमेशन कंपनी में काम करते थे? इतना तो पता नहीं पर हाँ उनके पास एक से वीडियो गेम है। कल शाम 7 बजे वो आए थे यहाँ पे और उन्होंने हमें कार रेसिंग वाली गेम में हरा भी दिया। इसका मतलब जॉनी अंकल से आप लोगों की बहुत गहरी दोस्ती? अंकल पहले हम उन्हीं की दुकान पे तो जाते थे गेम्स खेलने। उनकी वीडियो गेम्स की दुकान है? हाँ ज्वाला नगर में थी पर अचानक उन्होंने बंद कर दी पता नहीं क्यों। पर अब हम कभी कभी उनके घर चले जाते हैं उनके साथ गेम्स खेलने। अच्छा बेटे ये बताओ कि ये जॉनी अंकल का घर कहाँ है? सर दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है। लगता है इस जॉनी को हमारे आने का अंदेशा हो गया था इसलिए पहले 9:11 हो गया। एक मिनट, अंदर से कुछ आवाज आ रही है, इसका मतलब ये अंदर छिप के बैठा हो और हमें गुमराह करने के लिए इसने ताला लगाया है। मयूर देखे देखो पीछे कोई रास्ता है क्या? घर के पीछे तो और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता मिल गया, आ जाओ। चाय का कप अभी भी गर्म है, इसका मतलब यही है कोई। सर ये देखिए विद्युत के कपड़े। Ah!
खेल खत्म तेरा। चल। बोल, विद्युत बन के तूने संधु का खून क्यों किया? मैंने कोई खून नहीं किया। फिर विद्युत के कपड़े तुम्हारे घर में क्या कर रहे? दरअसल मैंने ही तो जन्म दिया है विद्युत को। मेरी और सूरज साहब की मेहनत का ही तो नतीजा है यह विद्युत। तो इसीलिए तुम उस एनिमेशन स्टूडियो में बार बार फोन किया करते थे, और तुम्हारी मेहनत का फल जब तुम्हें नहीं मिला, संधू और मोहन को मिला, तो तुमने बदला लेने की ठान ली। मेरी उम्र और तबीयत को देखकर आपको ये लगता है कि मैं किसी का खून कर सकता हूँ? अगर तुम निर्दोष हो तो दरवाजे के बाहर ताला क्यों लगाया, और वो वीडियो पार्लर गेम का वो क्यों बंद किया तुमने? मुझे पता था साहब कि संधू के खून के बाद सीआईडी और पुलिस जरूर मेरी पूछताछ करेगी। मैं अपने कुछ आखिरी दिन शांति से बिताना चाहता हूँ बस। देखो, विद्युत की बात का बदला सिर्फ दो ही लोग ले सकते थे, एक तुम और दूसरा सूरज। सूरज मर चुका है, बचे हो सिर्फ तुम। शायद यह भी हो सकता है कि संधू का कोई और दुश्मन हो। सूरज के मौत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो एक एक्सीडेंट था या फिर सोची समझी साजिश? माफ करना, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो फिर कोई ऐसा आदमी जो सूरज को अच्छी तरह से जानता हो? आप उसकी पत्नी से मिल लीजिए। पत्नी से मिल चुके? तुम ये बताओ कि कोई ऐसा आदमी है जो सूरज की बहुत परवाह करता था? नहीं, और कोई साथी तो ध्यान में नहीं है, पर हाँ वो कभी कुरियर करवाया करते थे मुझसे, ड्रेसेस, कभी किताबें भिजवाया करते थे। अच्छा, ये कुरियर कहाँ पे भिजवाते थे? वो एड्रेस किसके नाम पे, कुछ पता है आपको? हाँ, श्याम नगर के एड्रेस पर। श्याम नगर के एड्रेस पे कुरियर? हेलो, हाँ ठीक है सर। सर, ये सूरज श्याम नगर में किसी अनाथ आश्रम में जाया करता था। अनाथ आश्रम? हाँ। चलो फिर पता लगाते हैं कि सूरज अनाथ आश्रम जाता क्यों था। हाँ, इन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सूरज जी है, यहाँ अक्सर आया करते थे। घंटों बैठकर बच्चों से बातें करना, उन्हें कहानियां सुनाना, बच्चों को भी उनसे बहुत लगाव हुआ था। अच्छा, ये ऐसा कोई खास बच्चा जिससे सूरज जी को बहुत लगाव, जिसके लिए वो कुरियर वगैरह भेजा करते थे? आप शायद जॉनिता की बात कर रहे हैं। जॉनिता जी? सूरज जी उससे इतना प्यार करते थे जैसे कोई अपनी सगी बहन से करता हो, और यहाँ तक कि उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भी वही खर्चा किया करते थे। उनकी मौत के बाद तो बेचारे की पढ़ाई जैसे बंद सी हो गई। अच्छा, सर, जॉनिता का नंबर या एड्रेस तो होगा आपके पास? एड्रेस और नंबर तो नहीं है, और उनकी मौत के बाद तो वो पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन कोई पुरानी तस्वीर तो होगी आपके पास? देखिए, यहाँ 6 महीने पहले आग लग गई थी, उसी आग में सारे एल्बम जल चुके हैं। ठीक है, थैंक यू। किसी भी हाल में इस जॉनिता तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। सर, इस देश के लोग यही मानते हैं कि सीआईडी सिर्फ एक ब्यूरो नहीं है, इंसाफ का मंदिर है। यहाँ कभी भी किसी बेगुनाह के साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो आप मेरे साथ जुर्म क्यों कर रहे हैं सर? सर, आप इस एनओसी पे साइन नहीं करेंगे तो मेरी फिल्म रिलीज नहीं होगी। सर, करोड़ों रुपया लगा सर मेरा, अगर टाइम पर रिलीज नहीं हुई तो नुकसान हो जाएगा सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज साइन कर दीजिए सर, प्लीज। ठीक है सर। ठीक है, खुश? सर, थैंक यू सो मच सर, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। मैं मिठाई नहीं लाया बता, मैं अपने हाथों से मिठाई खिलाता आप सबको। उसकी कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी सी खुशी तो आप अपने फिल्म के हिट होने के लिए भी बचा के रखिए, मिठाई तो हम बाद में भी खा लेंगे। अगर फिल्म हिट हुई तो मिठाई नहीं, एक आलिशान पार्टी होगी, लेकिन उससे पहले आप सबको फिल्म के प्रीमियर पर आना पड़ेगा, प्लीज। प्रीमियर? सर, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत बिजी है, सिर्फ 2 घंटे की बात है सर। फिल्म बहुत अच्छी बनी है और आप इंजॉय करेंगे, प्लीज। ठीक है, और हाँ, फिल्म के प्रीमियर के लिए आपको कॉस्ट्यूम्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको वो भी भिजवा दूंगा। कॉस्ट्यूम हमारे लिए? हाँ, एक्चुअली थोड़ी अलग तरीके का प्रीमियर है जिसमें सब लोग डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहन कर आएंगे, आप लोगों को भी चाहिए होगा। ठीक है, भेज देते हैं, लेकिन एक शर्त है। जी? हम लोग तुम्हारे फिल्म की प्रीमियर में आ रहे हैं, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, मीडिया को तो बिल्कुल ही नहीं, समझे? यस सर, मैं समझ सकता हूँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। थैंक यू सर। प्रीमियर में जाने के लिए मान? हाँ सचिन, विद्युत के लिए।
ये विद्युत जरूर फिल्म की प्रीमियर में आएगा मोहन के साथ अपना हिसाब पूरा करने के लिए। इससे पहले कि वो अपना निशाना साधे वो हमारे चुंगल में होगा। अरे सचिन सर आप क्या लग रहे हो सर, आपकी कॉस्ट्यूम क्या गजब की है, मगर पता नहीं पहचान में नहीं आ रहा सर कौन हो आप। पहचानो कौन आई। अरे हाँ करेक्ट सर करेक्ट। मुझे बताइए ना मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा सूट कैसा है, मेरा मास्क कैसा है। पंकज तुम भी किसी ऐसे राज्य के राजकुमार लग रहे हो जो अब तक ढूंढा नहीं गया। पंकज तुम कैसे दिखते हो ये मैं तुम्हें बाद में केस खत्म होने के बाद बताऊंगा, फिलहाल अपना मास्क लगा लो, विद्युत आसपास हो सकता है समझे। सर सॉरी सर आई एम रियली सॉरी सर। मयूर बी अलर्ट, चारों तरफ नजर दौड़ाते रहो। जयंती कहीं पर दिखाओ। नहीं सर अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं दिखा जिस पे शक किया जा सके। चौकन्ना रहना। सचिन अभी तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया सर। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मोहन जी आपने बुलाया और हम नहीं आएंगे। आपकी पिक्चर कभी चालू होने वाली है? बस 5-10 मिनट में, तब तक आप कुछ खा भी सकते हैं। अच्छा नहीं थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ एक्सक्यूज मी मोहन सर इस तरफ आई प्लीज। चल लेते हैं। मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे भी मानना था तो कुछ हो रहा है, घेर लो इनको, कुछ हो रहा है उधर। मोहन सर विद्युत कहाँ है? पता नहीं सर यही बता दें। तुम ठीक नहीं कर रहे हो, अपने आप को सीआईडी के हवाले कर दो। मिस्टर सुपर हीरो तेरा खेल खत्म। इसका चेहरा तो देखे। सर मैं उनकी सेक्रेटरी सोनाली। सोनाली उर्फ जोनिता जाती कहाँ है? सूरज जी और मैं हमेशा ईमेल के जरिए एक दूसरे से बात किया करते थे। उन्हें अपने वीडियो गेम के प्रोजेक्ट पर बहुत भरोसा था। उन्हें पूरा यकीन था कि ये वीडियो गेम ना सिर्फ इस दुनिया का सबसे बेहतरीन वीडियो गेम होगा बल्कि पूरी दुनिया उसे पसंद करेगी। जैसे ही तुम्हें पता चला कि मोहन और संधु ने सूरज को धोखा दिया, उससे वीडियो गेम की आइडिया खरीद ली, तो तुमने उन दोनों को मारने का सोचा। हाँ इन्हीं दोनों की वजह से सूरज जी के सारे सपने पानी में फिर गए और फिर सूरज जी के मौत के बाद मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। और इसीलिए तुमने सोचा
कि जिस आदमी से बदला लेना है क्यों ना उसी की सेक्रेटरी बन जाऊं। हाँ, फिर मैं संधू की सेक्रेटरी बनी। लेबोरेटरी में आग भी तुमने ही लगाई। हाँ, और जानबूझ के मैंने इस फिल्म की एक रफ कॉपी बचा के रखी थी। इन दोनों को मारने से पहले मैं इनके साथ थोड़ा खेलना चाहती थी। बहुत दुख दिए इन दोनों ने मुझे, वही दुख मैं उन्हें महसूस कराना चाहती थी। जिस विद्युत को सूरज ने अपने दिमाग से इतने प्यार से जन्म दिया दुनिया का मनोरंजन करने के लिए, उसी विद्युत को तुमने अपना हथियार बना दिया। विद्युत के फाइबर बॉडी में तुम ही थी ना। हाँ सुनाली, सारी तैयारियां हो गई हैं? हाँ सर, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए। तुमने अपने जूतों में भी स्प्रिंग लगवाई थी दीवारों को फांदने के लिए। और तो और, मोहन कुमार के बंगले की छत से हमें कुछ हुक्स मिले। ये देखिए सर, ये हुक्स और ये हार्नेस के जरिए उड़ रहा था। हमें मालूम था कि फिल्म के प्रीमियर में तुम वही पैंतरा अपनाओगी, मगर हमने पूरी तैयारी करके रखी थी। सोनाली इर्फ जोनिता, दुनिया को धोखा दे सकती हो, सीआईडी को कभी नहीं। हमें यह भी मालूम है कि मोहन के सेलफोन के साथ तुमने छेड़खानी की थी। हाँ, और मोहन के फोन में मैंने एक ऐसा वायरस डाला था जिससे फोन तो स्विच ऑन है मगर फिर भी हर बार स्विच ऑफ बताता था। काश ये दिमाग किसी अच्छे काम के लिए लगा रही तो देखा इस बदले की आग ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी भर के लिए। तुम्हें तो शायद फांसी भी हो सकती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।